आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 71,000 नवनियुक्त कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने इन कैंडिडेट्स को संबोधित भी किया। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने 71,056 नवनियुक्त आवेदकों को नियुक्ति पत्र दिया। साथ ही रोजगार मेले में सभी नई नियुक्तियों के लिए कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स लॉन्च किया और देश के अलग अलग 45 जगहों पर भी नियुक्ति पत्रों की हार्ड कॉपी बांटी गई। पीएम मोदी ने नियुक्ति पत्र देने के साथ साथ नव नियुक्त आवेदकों को संबोधित भी किया। दरअसल केंद्र सरकार की कोशिश है कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भर दिया जाए। रोजगार मेले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने अपना संबोधन भी दिया और कहा कि देश के युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का ये अभियान ऐसे ही जारी रहेगा। भारत के करोड़ों नौजवान इस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है और अपने युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए, इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। रोजगार मेले में जुड़े मेरे युवा साथियों, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज देश के 45 शहरों में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, यानी आज एक साथ हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत हुई है। पिछले महीने आज के ही दिन धनतेरस पर केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। अब आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून में केंद्र के सभी मंत्रालयों और विभागों को रोजगार बढ़ाने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया था और दीपावली पर भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें देश भर से चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया था, जिनमें समूह ए, समूह बी, राजपत्रित, समूह बी अराजपत्रित और समूह सी की नियुक्तियों के साथ ही केंद्र सशस्त्र बल उपनिरीक्षक, कांस्टेबल, कनिष्ठ लिपिक एलडीसी, स्टेनो, पीए, आयकर निरीक्षक, रेलवे एमटीएस जैसे पद शामिल थे। तो वही प्रधानमंत्री मोदी का पिछला रोजगार मेला जो गुजरात में आयोजित हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारा टारगेट 2047 तक भारत को विकसित राज्य बनाने का है, जिसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।